धार जिले के नालछा नगर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। साथ ही नगर में स्थानांतरित होकर नागदा गए नायब तहसीलदार जितेंद्र सिंह तोमर का नालछा नगर वासियों द्वारा आभार व्यक्त भी किया गया। साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा भी की गई। उनके स्थान पर नागदा के नायब तहसीलदार मनीष जैन का नालछा नगर वासियों के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं साथ में कोरोना वायरस योद्धा राकेश शर्मा का स्वागत भी नालछा नगर वासियों द्वारा किया गया है। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। जनता को बहुत सहयोग दिया और लंबे समय से आप नालछा में रहे, तो सर आपको नालछा कैसा लगा और नालछा की जनता को चर्चा कर लूँ? एक्चुअली एक नए तरह का चैलेंज था पूरी दुनिया के सामने, हमारे लिए ये नई भूमिका थी। ये कोई ऐसा नहीं था कि रेवेन्यू का काम था, और जिस हिसाब से हमारे लिए जो नई चुनौती थी उस हिसाब से हमने काम किया, जनता का बहुत सहयोग मिला और इस सहयोग की बदौलत ही हम इस लड़ाई से अभी तक सफल रहे हैं। एक भी पॉजिटिव नहीं है हमारे क्षेत्र में और आगे भी मैं समझता हूँ कि आप सबका सहयोग रहेगा, सब पास बनेंगे ना, अपन सुरक्षित रहेंगे लोग, है ना। अब ये नालछा में जो मेरा जो कार्यकाल रहा 20 महीने का, मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। आप लोगों का इतना सहयोग, इतना प्रेम, इतना स्नेह मिला, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं मानता हूँ कि नालछा का मेरा कार्यकाल मेरे लिए तो बहुत अविस्मरणीय रहा। आपका जो स्नेह है, सहयोग है, उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। कभी भी मेरी जरूरत लगे मैं मेरा मतलब उपलब्ध हूँ। आप नालछा में नहीं, आपने आज पद लिया है, तो सर आपने क्या क्या प्लानिंग से अब नालछा मार्केट खुलेगा, क्या प्लानिंग देखी? जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि स्थानांतरण में बदलाव से नालछा में आज आया हूँ आप लोगों के साथ। कल बगड़ी, आज नालछा मांडू, संक्षिप्त थोड़ा सा समय देते हुए एक स्थल निरीक्षण करके, और जो पूर्व में योजनाएं चल रही थी वो फलीभूत थी, इसलिए आज तक भी यहाँ कोरोना से संबंधित कोई भी एक मरीज नहीं मिला है। आगे भी जो है हम उन्हीं योजनाओं के साथ, जैसा कि लॉकडाउन 4 में सरकार के द्वारा कहा गया है कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की जो व्यवस्था रहेंगी, तो चूँकि धार जिला रेड जोन में है तो यहाँ के लोगों की अत्यधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो इमरजेंसी हैं, आकस्मिक हैं, उनके लिए हम प्लान करके जो है डे बाय डे या ऑड इवन डे या फिर जो टाइमिंग को सुबह शाम वाला करके इतना राहत देंगे ताकि व्यक्ति अपने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क लगाकर सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए अपने क्रय विक्रय कार्य करे, दैनंदिन कार्य करे, अपनी अत्यावश्यक सेवाओं की पूर्ति करे। इसके लिए हम लोगों ने CMO साहब, TI साहब और आपके जनपद CEO के साथ मिलकर जो है एक प्लान बना रहे हैं किसको आगे और किस प्रकार से करें। तो एक साथ ही हम लोग बगड़ी, नालछा और मांडू में तीनों एक दिन रखेंगे ताकि यहाँ के व्यापारी वहाँ नहीं जाए, वहाँ के व्यापारी वहाँ ना जाए, जहाँ के लोगों की आवश्यकता है वहीं पर पूरी कर दी जाए। सर इसमें सर नालछा में सर आसपास में एरिया आदिवासी ज़्यादा है सर, यहाँ कुछ अनाज की दुकान भी खुल जाए खरीदी के लिए कि वो बाज़ार भी कर ले क्या? हाँ, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि टाइमिंग बांट दें कि दो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बर्तन हैं, चप्पल जूते की दुकान है, उनका एक निर्धारित कर दें, किराना है, खाद बीज है, उनका एक निर्धारित कर दें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।